आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। धारदार हथियार से युवक पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, अपराध से है पुराना नाता। हल्द्वानी पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और दोनों पर पूर्व में कई मामले दर्ज हैं। हाईवे के पास कार खाई की और लटकी कार नदी में गिरा। चालक लापता। बद्रीनाथ यात्रा से लौट रहे थे पति पत्नी। बद्रीनाथ की यात्रा से लौट रहे पति पत्नी की कार हादसे का शिकार हो गए। पत्नी सुरक्षित है, लेकिन अलकनंदा नदी में गिरने से पति का कुछ पता नहीं चल पाया। पिथौरागढ़ में SBI से चुराए 22 लाख लेकर नेपाल भाग रहा था आरोपी। SSB ने बॉर्डर से किया अरेस्ट, मैनेजर पर सवाल। पिथौरागढ़ में पुलिस ने बैंक में चोरी कर नेपाल भाग रहे युवक को गिरफ्तार किया है। युवक बक्से में रुपए छिपाकर भारत नेपाल सीमा पार करने की फिराक में था, जिसे SSB ने पकड़ लिया, बाद में पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी का खुलासा किया। धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ की बिगड़ी तबीयत, बेहोश होकर जमीन पर गिरे, हॉस्पिटल में भर्ती। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ को शनिवार को किच्छा में तबीयत खराब हो गई। उन्हें उधमसिंह नगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बीते 4 दिनों से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ धरने पर बैठे हुए थे। अनियंत्रित कार खाई में लटकी, पति अलकनंदा नदी में गिरा, बाल बाल बची पत्नी। कालाडूंगी रेंज के गुलजारपुर क्षेत्र में मिला नर गुलदार का शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। गुलजारपुर क्षेत्र में गुलदार का शव मिला है। गुलदार के सभी अंग सुरक्षित हैं। सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। IIT रुड़की की 24वीं दीक्षांत समारोह, बांटी गई 2513 उपाधियां। IIT रुड़की का 24वां वार्षिक दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया है। दीक्षांत समारोह में 2513 उपाधियां बांटी गई। इस दौरान कई गणमान्य लोगों ने छात्रों को बधाइयां दी। ITBP निरीक्षक चंद्रमोहन सिंह पार्थिव शरीर लाया गया, श्रद्धांजलि देने आवास पर पहुंचे लोग। निरीक्षक चंद्रमोहन सिंह साथियों के लिए अस्थायी ब्रिज बनाकर नाला पार कराते समय गिर गए और पानी के बहाव में बह गए। बलिदान की सूचना मिलने के बाद जौलीग्रांट में शौक की लहर दौड़ गई। हिमाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान बलिदान हुए चंद्रमोहन सिंह नेगी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान दुर्गा चौक जौलीग्रांट लाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, क्षेत्रीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला और क्षेत्रवासियों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बुग्गावाला रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, कार बाइक की भिड़ंत में मामा भांजे की मौत। हरियाणा नंबर की एक कार ने रॉन्ग साइड जाकर बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बिहारीगढ़ रोशनाबाद मार्ग पर बुग्गावाला थाना क्षेत्र के विधवा शहीद गांव के पास बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार कार ने सामने से टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवार मामा भांजे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दो बहनें बोली, पूर्व विधायक के इशारों पर हो रहा परिवार का उत्पीड़न, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा। नदी का रौद्र रूप, दीवार तोड़ आश्रम में घुसा पानी, साधु संतों की जान पर बन आई किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। बारिश भूस्खलन से जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। गंगोत्री में नदी का जलस्तर बढ़ने से आश्रम में पानी घुस गया। बारिश भूस्खलन का कहर, 2 घंटे फंसा वाहन, नवजात ने तोड़ दिया दम, हाथ में बच्चे को ले पिता ने बताई करुण व्यथा। समय पर इलाज मिल जाता तो नवजात की जान बच जाती, लेकिन बारिश भूस्खलन से बन सड़कों ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। लड़की के साथ मारपीट कर युवक ने किया दुष्कर्म, ड्यूटी जा रही थी युवती, आरोपी ने दी थी लिफ्ट। साली से प्रेम प्रसंग के विवाद में जीजा ने युवक को मारी थी गोली, आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से हुआ भारी भूस्खलन, तबाही की तस्वीरें बेहद डरावनी। उत्तराखंड में भारी बारिश भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। टेरी घनसाली में मां बेटी की मौत हो गई, तो वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से भूस्खलन की बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आई। नदियों के रौद्र रूप में कई मकान भवन समा गए। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, सहमे लोग।
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से लोग सहमे हुए हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से कई मकान जमींदोज हो गए, वहीं कई मकान हवा में लटके दिखाई दे रहे हैं। कई संपर्क मार्ग मलबा और बोल्डर गिरने से बाधित हो गए हैं। वहीं भारी बारिश से गाढ़ गदेरे उफान में बह रहे हैं। हरिद्वार में अवैध शराब का जखीरा बरामद, कांवड़ियों के भेस में कर रहे थे तस्करी, दो अरेस्ट। कांवड़ यात्रा की धूम के बीच हरिद्वार में शराब तस्कर भी सक्रिय है। पीएसी और आरपीएफ की टीम ने 770 बोतल से ज्यादा शराब और 20 कैन बियर बरामद की है। दो शराब तस्करों को अरेस्ट किया गया है। इनमें एक ने कांवड़िए का वेश धरा था। तीन आरोपी फरार हैं। धारदार हथियार से युवक पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, अपराध से है पुराना नाता।